नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच शीत युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिद्धू ने बुधवार को अमरिंदर को चला हुआ कारतूस पंजाब की राजनीति का जयचन बता दिया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट द्वारा कंट्रोल बीजेपी के वफादार मुख्यमंत्री है। उन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए पंजाब के हितों तक को बेच दिया। अमरिंदर भी इस पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सिद्धू को कुछ समझ तो है नहीं, मुंह से कुछ भी बकवास करते रहते हैं। कैप्टन ने कहा कि पूरा दिन मुझ पर अटैक करने में टाइम बर्बाद मत करो। लगता है सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद करने का मन बना लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। अमरिंदर दरअसल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी सिद्धू ने कैप्टन पर जुबानी हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के 78 कांग्रेसी एमएलए कभी सोच भी नहीं सकते कि उन्हें क्या मिला। सिद्धू ने अमरिंदर को नकारात्मक ताकत करार देते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब का विकास और न्याय रोक दिया। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन मेरे दरवाजे बंद करना चाहते थे क्योंकि मैंने पंजाब के लोगों की आवाज उठाई, सत्ता के आगे सच कहा। तो सिद्धू ने अमरिंदर की खिल्ली उड़ाई। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, तब वे अपनी जमानत तक जब्त करवा बैठे थे। उन्हें सिर्फ 856 वोट मिले थे। पंजाब के लोग उनके हितों से समझौता करने के लिए कैप्टन को दोबारा सजा देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको बताएं दोस्तों कि कैप्टन ने भी सिद्धू पर जवाबी हमला बोला। अमरिंदर ने कहा कि इस आदमी सिद्धू को कुछ भी पता नहीं, वो अपने मुंह से सिर्फ बकवास करते रहते हैं। मैं राज्य के मुद्दों को लेकर सभी केंद्रीय मंत्रियों से मिलता रहता हूं, राज्य केंद्र सरकार के साथ काम किए बिना नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जैसे आदमी से उम्मीद भी नहीं करता कि उन्हें गुड गवर्नमेंस यानी कि सुशासन के बारे में कुछ पता होगा। आपको बता दें दोस्तों कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा से साठगांठ को लेकर सफाई देते हुए सिद्धू को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में केंद्र सरकार से मिला, मैंने कभी बीजेपी के संगठन से बात नहीं की। हालांकि उन्होंने विरोधियों को कहा कि अब वो संगठन से बात करेंगे, वे किसी पार्टी से गठजोड़ नहीं करेंगे, वे सिर्फ सीटों पर समझौता करेंगे, जिसमें अकाली दल के बागी धड़े सुखदेव ढींडसा और रणजीत ब्रह्मपुरा से बात करेंगे। पंजाब विधानसभा के अगले चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी को हम कड़ी टक्कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच शीत युद्ध चलता ही आ रहा है। अब देखते हैं कि ये शीत युद्ध आगे कैसा मोड़ लेता है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोज को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।